माँ पार्वती, क्यों आ जाओ? आपको क्या मसला है? क्या मसला है? ओ बाला को छोड़ के चले गए दुहे, ओ जरा तो बाल भूखे खड़े थे, ना कहीं आलू है, ना कहीं टमाटर है, ना कहीं घी है, कैसा का नहीं। मैं क्या करूं? कौन आपकी बहू और बेटा? जी हाँ। अच्छा, उसकी बात कर रही हो? और आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है? बस एक टमाटर होगा, दो चार आलू होंगे, वो ही तो बस सालन बच्चों का बनाना है। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि एक टमाटर में से तुम भी कुछ ले जाओ, वहाँ छुरी पड़ी है वहाँ से काट लो। तू सारा दिन क्या की थी? मैं सारा दिन सुबह कपास चुगने गई थी और फिर मैंने घास बनाया और फिर अभी जो है ना बच्चों के स्कूली कपड़े धो रही हूँ। आधी रात तो आ जाएगी सालन और रोटी बनाने में, क्या करूँ? टाइम ना वापस वाला हूँ यहाँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। वहाँ पर कपास चुगने में भी टाइम लगता है, कोई ऐसे तो कपास 10-15 किलो नहीं चुगी जाती ना। वहाँ पर वो पच्छी पड़ी है, वहाँ से ले जाओ। हाँ जी, तुम्हें पता है कि तुम काम तो नहीं कर सकती, लेकिन आज जो है ना आपने उन कट्ठे का कूड़े रखा, मजबूरी है, क्या करें? वो हम बच्चे रोधे बैठे रोटी की पे, क्या करें? मैं ओला दिन सबको भूख लगी है, मैं के कोई जुना दे घरू आलू घेना हुआ, कोई टमाटर घेना हुआ तो हमें कि थोड़ा सा सालन पका दे, बिटरा रोटा धाटा मार के पकावा रोटी भाजी, या क्या कर? चलो ले जाओ, जैसे तैसे हम भी गुजारा कर लेंगे। टमाटर जरा यो निका जा है, ए तू सटे से मैं सटे सा, ए यो दिया था ए। चलो मैंने आपसे कहा ना, थोड़ा सा तुम ले जाओ और थोड़ा सा जो है सालन में। क्या बरसी तेरा? क्या बरसी मेरा? क्या बरसी? चलो ओके शोके निभा लेंगे ना, कभी तो अल्लाह ताला हमारे भी हालात अच्छे करेगा। पते कदम करे सी क्या खून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहनें दुख में है, तकलीफ़ में है या किसी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी दुख और परेशानियों को दूर करे। और इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को वॉच पूरा करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जी तो यार, आज जो है ना मेरी देवरानी और मेरे जो है ना देवर कहीं गए हुए हैं, तो सासू माँ दो बेटे हैं उनके, वो जो है ना घर पर उनको छोड़ कर गए हैं। तो सासू माँ व्यूअर्स आप देख रहे थे, वो बेचारी जो है ना इतना काम भी नहीं कर सकती, वो मुझसे टमाटर मांगने आई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कुछ लेकर भी घर में कुछ लेकर भी रख कर भी नहीं गए, तो बेचारी वो परेशान हो रही थी, तो इसलिए जो है ना मुझसे टमाटर लेने आई थी। तो अब जो है ना मैं व्यूअर्स कपड़े धो रही हूँ और कपड़ों की धुलाई भी कर रही हूँ, मैंने सोचा कि आप तमाम भाई और बहनों से भी शेयर कर लूँ। हमारे गांव में जो है ना, हाँ वॉशिंग मशीन तो नहीं होती, हम हाथ से ही बस कपड़े धो लेते हैं। बच्चों के सब पूरी वर्दियाँ धो रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि आप तमाम भाई और बहनों से भी शेयर कर लूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आज जो है ना एतवार था, तो इसलिए जो है ना बच्चे घर थे। सुबह तो मैं चली गई थी कपास चुगने, तो व्यूअर्स अब जो है ना मैंने कपास भी चुगी और घास भी बनाया। अब कम से कम शाम का टाइम है तो मैं घर आई, अभी जो है ना एतवार है ना, इसलिए मैं बच्चों के कपड़े धो रही हूँ। सुबह जो है ना फिर इंशाल्लाह नुमान और अजान जो है ना सकूल जाएंगे।
तेरी अजान कहाँ चला गया है? कपड़ों पर दाग तो ऐसे लगा लिए हैं, जितने भी साफ कर रही हूँ भी बार आप देख रहे हैं ये साफ भी नहीं हो रहा है। जी तो यार आप देख रहे हैं कम से कम अब जी तो यार अब जो है ना कम से कम शाम का टाइम है, तो यार आप देख रहे हैं मैंने मंजियाँ भी निकाली हैं और बच्चों के जो है ना कपड़े भी धो लिए हैं। ये काम काज तो हमारे होते रहेंगे और गांव के काम तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं, सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। और ऊपर से जो है ना बच्चों को स्कूल पहुँचाना और घर ले के आना और उनके कपड़े धोने सारे काम तो होते रहेंगे। जी तो यार उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।